से सीधा आप गलत देख रहे हैं। सुभाष चौराया जहाँ पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के चारों ओर जो है चक्कर लगाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पे। और एक तरफ देखिए आप पूरी जो है तिरंगा हाथ में लिए सभी बहने, आज़ादी के 75वें महोत्सव पर सुभाष चौराहे पर आप देखें बाल शिक्षा सदन स्कूल के सही तत्वाधान में आप देखें आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सुभाष चौराया मल्ला तलाई पर आप देखें कि सीधा दृश्य आप देख रहे हैं। नेशनल एंथम, जनगण मन नेशनल एंथम। नेशनल एंथम और उन लोगों को बोलो। अरे बेटा नेशनल एंथम तो दोस्तों आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मल्ला तलाई से सुभाष चौराहे से सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां
आज़ादी के 75 वर्ष महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। सुभाष चौराहे पर नमन किया जा रहा है, उनको सलामी जो है वो दी जा रही है। आप देखें कि प्रेरणा संस्थान, बाल शिक्षा सदन और विज्ञान कला वाणिज्य सभी के संयुक्त तत्वाधान में देखिए स्कूलों के, और ये एक महापर्व जो है वो मनाया जा रहा है। आप देखें कि सीधा दृश्य बलबले चौराहे से है, हर एक दृश्य बड़ा ही मार्मिक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की मिसाइल है। आप देखें कि सभी के हाथों में तिरंगा है और सभी सुभाष चंद्र बोस को प्रतिमा के यहाँ पे आप देखें कि सलामी दे रहे हैं सभी। आज़ादी के 75वें इस महोत्सव पर आप देखें कि तिरंगा यात्रा निकाली गई। रामपुरा से यात्रा प्रारंभ होकर सुभाष चौराहे तक पहुंची और अब बहुत ही सुंदर तरीके से सुभाष चंद्र की बोस की प्रतिमा के यहाँ सलामी दी जा रही है। तो उदयपुर से सीधी खबर आप देख रहे हैं, उदयपुर के सुभाष चौराहे जी सर। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज़ादी के 75वें दिवस पर, अमृत महोत्सव पर प्रेरणा परिवार, बाल शिक्षा सदन, राजदेव कॉलेज, वार्ड नंबर 10 के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये आज़ादी की तिरंगा यात्रा निकाली है। देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं, इसीलिए इसी संदेश को लेकर हमने यात्रा निकाली है। सुभाष चौराहे से लेकर मल्ला तलाई चौराहे तक निकली है, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, पार्षदगण, जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और पूरी रैली का रास्ते में सभी लोगों ने स्वागत किया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज़ादी के इस 75वें महोत्सव पर देखिए भव्य तिरंगा रैली जो है वो निकाली जा रही है लगातार। सर कैसा रहा? बहुत शानदार, जोरदार और इतना अच्छा प्रदर्शन रहा, बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सब ने जो 75वीं हमारी स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई है, बहुत ही उत्साह था बच्चों में, बहुत ही एक देशभक्ति की भावना नजर आ रही थी सब में। और हम चाहते हैं कि पूरा उदयपुर, राजस्थान, पूरे भारत में ऐसी देशभक्ति फैलनी जाए, फैल रहे, और हर आदमी, हर इंसान अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए हमेशा आगे आए और हमेशा तिरंगे का मान रखे, ध्यान रखे, और जो ये हमारी देशभक्ति की भावना से जागृत हुई है वो तो पूरे भारत में ऐसी चलती रहे, और उसका हम सब तय दिल से स्वागत करते हैं और यही चाहते हैं कि 75वीं वर्षगांठ की पूरे भारतवर्ष, उदयपुर, सब साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। जय भारत, जय हिंद।
भारत माता की जय। चौधरी जी, अमृत महोत्सव के इस उपलक्ष्य में एक चीज पूछना चाहता हूँ, राष्ट्र भावना किसे कहते हैं, राष्ट्र काम क्या होता है, क्या छोटा सा काम भी राष्ट्र भावना में आता है? आप राष्ट्र के लिए कुछ भी काम करते हैं, छोटे से बड़ा से बड़ा, किसी गरीब को खाना खिला देते हैं, कोई आप ब्लड डोनेशन का काम कर देते हैं, कोई आप भारत माता के जय के नारे लगा देते हैं, हमारा तिरंगे के आन ऊपर कर देते हैं, ये भी एक राष्ट्रभक्ति, हर चीज में राष्ट्रभक्ति है। आपकी राष्ट्र के प्रति भावना अच्छी और समर्पित होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए, यही हमारी भावना है। क्या स्वच्छता की दृष्टि का पालन करना भी राष्ट्र भावना है? इसका स्वच्छता बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, स्वच्छता सबसे जरूरी है। आज स्वच्छता की वजह से जो गंदगी बीमारियां फैल रही हैं, वो स्वच्छ नहीं होने की वजह से, जितना अपन स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे, इसीलिए स्वच्छता सबसे जरूरी है। नहीं भी आप कचरा न फेंके, इधर उधर न डालें, कचरा पात्र में कचरा डालें, यही मेरी आप सबकी राय है, सबसे राय है। इस पूरे अगस्त में हमने जमकर त्यौहार मनाए, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जिले फूल हो गई है, दूसरी तरफ आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, तीसरी तरफ हमने रक्षाबंधन मनाया, चौथी तरफ हमने शिव जी की विशाल जनसभा शोभा यात्रा निकाली, क्या कहेंगे इस बार? यही हमारे हिंदू धर्म का यही तो है, हर महीने हर समय हिंदू धर्म मिलकर एक त्यौहार मनाते हैं, पूरे सबको साथ लेके, यही हमारा एक धर्म आस्था और संस्कृति, हमारे सब मिलके हिंदुओं का धर्म हो, मुसलमानों का हो, सिखों का, ईसाइयों का हो, जिसका भी हो, और हम सब एक साथ मिलकर धर्म मनाते हैं। उदयपुर में इतनी शांत और सौहार्दपूर्ण बना हुआ है, उतना अच्छा लगता है उदयपुर वासियों का, सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं, हमेशा इसी तरह मनाते रहें और परंपरा चलती रहे। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, जय भारत, जय भारत। ये थे कपूर साहब, जिन्होंने इस उदयपुर के लिए बहुत कुछ किया है, आपने कई बार रक्तदान करके इस राष्ट्रभक्ति को आपने जगाया है, एक हरे दिल के अंदर आप में ये एक भाव जगाया है कि व्यक्ति को कुछ न कुछ करना चाहिए जीवन में। मैं तो एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके एक तिनका भी उठा के साइड में रखता है तो उसने किया तो है, नहीं करने वालों से किया तो है। ऐसे कोई भी एक आप छोटे से छोटा काम करें, यानी कि हमने बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना के, अस्पताल बना के, बहुत बड़े, आप छोटे से छोटे काम से शुरुआत करें और देशभक्ति की तरफ बढ़ते जाएं, अपने आप बढ़े, ऊपर पहुंचेंगे और भगवान ने चाहे तो आप बहुत अच्छे काम करेंगे। किसी ने सच कहा है कि जब तू संसार में आया तो जग हंसा तू रोया, करनी ऐसी कर चल के तू जब जाए संसार छोड़ के तो जग रोए और तू हंसे। जनता याद करे आपके कामों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज़ादी का इस 75वें महोत्सव, और आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। आशा है कि हमारे देशवासियों को, हमारे नगरवासियों को, हमारे ग्रामवासियों को, जन जन को आपका संदेश जरूर जाएगा। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम सब मिलकर मनाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर क्या कहेंगे? ये 75वां वर्ष है आज़ादी का हम जो बना रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे मेवाड़ में और उदयपुर में जो अभी पिछला जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसकी निंदा करता हूँ, और उसके विपरीत ही अभी जो मोहर्रम निकला, यहाँ की जनता ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि मेवाड़ी पूरी दुनिया में सबसे अलग है। उनके आपस में जो प्यार मोहब्बत जो पुराना चला आ रहा, महाराणा कुंभज, महाराणा प्रताप से लेके अकीम कसूरी से लेके जो मोहब्बत चली आ रही है, उससे पहले की मोहब्बत है, ये अभी भी कायम है हमारे मेवाड़ वासियों में, और ये का कयामत तक कायम रहेगी। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी सर, स्वतंत्र दिवस की सभी छोटे बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आई जाऊँ तो आप देखें कि आज़ादी का 75वां महोत्सव पर जहां खुशियां मनाई जा रही है, तिरंगी रैलियां निकाली जा रही है, चारों ओर घर घर झंडे जो है वो लगाए जा रहे हैं, तिरंगा फहराए जा रहे हैं, उसी क्रम में आज रामपुरा से लगाकर आज सुबह चौराहे तक ये भव्य रैली निकाली गई है। सभी बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, सबने सहयोग दिया है। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों का जो बैंड वाला जो कार्यक्रम था वाकई में वो तारीफ काबिल है। चलिए, एक यूनिक चीज़ है वो। हाँ हाँ हाँ। तो हमें जो अभी मीडिया का जो चल रहा है इस चीज़ को थोड़ा कम करके हमें फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो गिरीश जी इस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं और बच्चों के ऊपर पूरा गौर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और इसी तरीके की एक्टिविटी में ये बच्चे योगदान कर रहे हैं। पहले इस तरीके की एक्टिविटी होती थी लेकिन बाद में बंद कर दी गई, फिर चालू की है, क्या लग रहा है आप, क्या वापस क्या क्रांति आएगी? ये एक जीवन का चक्र है, क्रेप साइकिल है, जीवन घूमता रहता है,
रात है तो सुबह भी होगी, सुबह आइए तो रात भी होगी। आपकी उम्र में जब आप जाते थे तो शायद सफाई करनी पड़ती थी, स्कूल की स्वच्छता करना पड़ता था, और जब देश में इस तरह की पद्धति आई, बच्चे सफाई नहीं करेंगे उसको लेके, फिर देश में एक अलग ही तरह की एक्टिविटी हुई। हम जब जाते थे तो हमारे टीचर भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते और मदर फादर भी सपोर्ट करते। टीचर मदर फादर को कंप्लेन करता तो मदर फादर उनको पूरा सपोर्ट करते कि यह बच्चा आपका और आपको सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। आजकल थोड़ा सा हमारा 21वीं सदी में थोड़ा आगे हो गए हैं कि कोई कंप्लेन करता है मदर फादर और उसका पेरेंट्स उसके ऊपर पड़ जाते हैं, तो इस चीज़ को हमें रोकना होगा, सुधारना होगा। और सफाई वाला तो हमारे भारतीय संविधान में शुरू से चला आ रहा है, तो इसको हमें आगे, सभ्यता है हमारी और ये अच्छी चीज़ भी है, इसको आगे बढ़ाना होगा सफाई को। और सफाई से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। जब हमारे गांधी जी साफ सफाई भी करते हैं, सभी काम कर लेते, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो हमें भी उन्हीं के कदमों पर चिन्हों पर चलना होगा। मोबाइल के इस आधुनिक युग में मोबाइल से डरने की आवश्यकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये इंसान के और व्यक्ति विशेष के ऊपर है। इसको अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से, साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, मौलवी यूज़ कर रहे हैं, पंडित जी यूज़ कर रहे हैं, सभी यूज़ कर रहे हैं, और कोई कोई इसका मिसयूज़ भी कर रहा है, तो वहाँ पर हमें सावधानी बरतनी है, खासकर बच्चों के साथ। ये बच्चों की जब तक एज नहीं हो, उम्र नहीं हो, जब तक उनको हम मोबाइल के हाथ नहीं अड़ान दें, उनको हम साथ चलाए, कंप्यूटर भी सिखा सकते हैं उनको कुछ, बाकी मोबाइल से उन्हें थोड़ा दूरी बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।